हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी अपने टॉपर्स का। आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि समांतर श्रेणियों पर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने 8 प्रश्न यहां पर लिख दिए हैं और 9वां प्रश्न अभी हमें लिखना बाकी है। उस प्रश्न को भी हम लिखेंगे लेकिन इन 8 प्रश्नों को कंप्लीट करने के बाद। और आज हम मनोहर की जो 5C एक्सरसाइज है, मतलब मनोहर वाली जो 10th क्लास की NCERT बुक है, बेस्ट बुक है आपकी मैथ की, उस बुक के 5C एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को बताने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 के जो 9 पार्ट हैं वो सारे के सारे आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबके सब NCERT है और NCERT का क्वेश्चन ही आपकी 10th क्लास की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, और यदि आप पुराने हैं तो लाइक का बटन दबाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये जितने क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखे हैं इनकी बेसिक क्लास मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा बेसिक साथ में लेकर चलेंगे और आपको सबको समझाते हुए चलेंगे। तो देखिए लिखा है निम्न समांतर श्रेणी में है, मतलब ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे समांतर श्रेणी पर आधारित हैं, मतलब AD जो वैल्यू है वो सारी के सारी कैसी है, समांतर श्रेणी पर आधारित हैं। अब क्या है, जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या मुझे पूछ रखा है। तो क्या कर रहा है कि लिखा है कि दिया है, क्या लिखा है, लिखा है a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर दे रखा है 7। उसके बाद a13 बराबर, मतलब a13 बराबर कितना दे दिया है, a13 बराबर दे दिया है 35। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है d और s13। डी क्या होता है, डी को कहते हैं सर्वांतर, और s13 का मतलब इसके जो प्रथम 13 पद होंगे उनका योगफल कितना होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, शुरुआत करते हैं इसको करने की। तो हम लोग लिखेंगे हल, और याद रखिएगा क्या निकालना है, मुझे निकालना है डी। अब कैसे निकलेगा, आप जानते हैं एक फॉर्मूला an बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो पता है। तो मतलब यहाँ पे n के स्थान पे यदि हम 13 रख दें तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, a प्लस 13 माइनस 1 और ये हो गया d। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जो a 13 का जो मान है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 35, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 35। फिर ये a का वैल्यू कितना दे रखा है 7, और ये चले गए तो कितने बचे 12d, है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम जोड़ दें, नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसके साथ क्या है, डी है, है ना। अब ये हम लोगों ने लिखा इधर 12d और ये 7 उधर चला गया 35 के पास गया, और 35 ने 7 को घटा दिया तो मतलब कितना बचेगा, बचेगा 28। अब ये 12 कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा, तो 12 अपॉन में क्यों आएगा, क्योंकि 12 और डी के बीच में कौन सा चिन्ह है, 12 और डी के बीच में है गुणे का चिन्ह, तो ये नीचे आएगा तो बटे का हो जाएगा। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, देखिए 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर इसको 2 से करेंगे तो 14 आएगा ना, फिर इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 से करेंगे तो 3 होगा, और ये हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। तो इतना समझ में आ ही गया होगा, ये कैसा हो गया कि ये 3 हो गया और ये हो गया हमारा 7/3, मतलब जो डी का वैल्यू है वो कितना आ गया है, वो आ गया है हमारा 7/3। तो इसे आप लिख सकते हैं डी बराबर 7/3, ये डी का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोगों से क्या पूछ रहा था S13 पूछ रहा था, तो हम लोग लिखेंगे अतः, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, क्या पूछा है S13। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, SN बराबर n/2, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, n/2, उसके बाद a+an, ये सबको फॉर्मूला पता है ना, तो हम इसी के रूप में लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि क्या SN बराबर ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे n/2, उसके बाद a+an। अच्छा एक फॉर्मूला SN का और है, उसे भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा। तो क्या हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो यहाँ हो गया S13, n के स्थान पर 13 रख दिया, n की वैल्यू को कितना रखा, 13 रखा, उसके बाद ये हो गया 2। उसके बाद यहाँ देखिए a को पड़ा रहने दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, a को पड़ा रहने दीजिए, अभी वैल्यू रखेंगे और ये n के स्थान पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब देखिए a13 का मान तो हमको पता है ना, तो कितना हुआ S13, और ये हो गया 13/2, और a की वैल्यू को अब रख दीजिए कितना है, 7 है, और वो कितना लिखा है, वो लिखा है 35, तो ऐसे हम लोगों ने 35 लिख दिया, है ना। इतना तो आपको बिल्कुल बेहतर समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ, ये हमारा देखिएगा 13 हो गया, 13 लिख दिया गया, बटे में 2, 35 में 7 को जोड़ दीजिए कितना उत्तर आएगा, 42,
और जो 42 उत्तर आएगा वो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्यों, क्योंकि गुणा हो रहा है ना, तो ये 2 से इसको कैंसिल आउट करेगा, तो 2 एक कम 2 और इसको करेंगे 2 दूने 4 और 2 एक कम 2, कितना बचा, बचा 13 गुणे कितना हो गया 21। अब 13 को क्या करना है, 13 को गुणा करना है 21 से, तो 13 को 21 से आप गुणा कर लीजिएगा, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 273। तो मतलब S13 बराबर कितना आ गया है, 273। इतना भी बेहतर आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हमें A दिया था, A13 दिया था, हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था D का वैल्यू और S13 का वैल्यू। तो क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों ने लिखा AN बराबर ये वाला फॉर्मूला, S13 बराबर लिखा A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। आप और शॉर्ट में इसे कर सकते थे लेकिन आपको समझ में नहीं आता, मैं वो धीरे धीरे बताता रहूंगा, अभी आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा और शॉर्ट में जाएंगे। ये 35 हो गया, फिर ए की वैल्यू रख दी, ये 12D हो गया। अब D का वैल्यू निकालना था तो 7 पहले इधर ले गए घटाया और ये हो गए 28/12। सॉल्व किया तो D बराबर कितना आ गया, 7/3। और S N बराबर ये वाला फॉर्म लगाया और S13 N की वैल्यू कितनी रख दी, 13 रख दी, 13/2 A प्लस कितना हो गया A13। इस तरीके से S13 की जो वैल्यू निकाली है वो कितनी निकाली है, 273। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, फिर तीसरे क्वेश्चन की, ऐसे सारे जो 8 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे आज हम आपको क्लास में बताने वाले हैं। थोड़ा सा स्पीड में भी चलेंगे, थोड़ा सा आराम से भी चलेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आता रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है A13 का वैल्यू, A3 का वैल्यू, फिर S10 का वैल्यू दिया है, D पूछ रहा है और A10 पूछ रहा है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन मिक्सअप वाले होते हैं, इनमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है सब कुछ अपने दिमाग से ही करना है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीखेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में हम पहले लिखते हैं कि आखिर हमें क्या दिया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे दिया है, और क्या दिया है मुझे, मुझे दिया है वैल्यू A3 का। इसे थोड़ा सा और शॉर्ट में लेकर जाएंगे ताकि आपको और बेहतर समझ में आए, और S10 का वैल्यू दिया है 125। दो चीज़ें हमें दे दी है और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है D का वैल्यू और A10 का वैल्यू। तो याद रखिएगा जब आप A10 का वैल्यू निकालेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी A की और D की, तो D तो निकाल ही लेंगे, इसका मतलब हमें साथ साथ A भी निकालना पड़ेगा। तो क्या हुआ, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो गया A3, A3 बराबर कितना दे रखा है, 15। अब शॉर्ट में यदि लिखें तो A3 को आप लिख सकते हैं A+2D, वही वाला फॉर्मूला लगाया जो पहले क्वेश्चन में लगाया था। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 2D हो गया, 4 होता तो 3D हो जाता, ऐसे बढ़ता चला जाता है ना। इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, इसे समीकरण नंबर मान लीजिए 1। उसके बाद फिर आप देखिए लिखा है तथा S10 बराबर कितना दे रखा है, S10 बराबर दे रखा है हमें 125, ये दे रखा है। तो S10 का फॉर्मूला अगर हम खोलें तो हम लोग फॉर्मूला क्या खोलेंगे, लिखेंगे N/2 और उसके बाद A, और बहुत ध्यान से देखिएगा क्या खोलेंगे, लिखेंगे A लिखेंगे और इसको 2A लिख दीजिए, प्लस N-1 कर दीजिए और उसके बाद D कर दीजिए, बराबर कितना 125। यदि आप ये फॉर्मूला आप लिखते हैं तो इसमें ये A हो जाएगा, फिर उसके बाद ये D हो जाएगा, N की वैल्यू तो यहाँ पे 10 दी ही हुई है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे 10/2। देखिए पहले फॉर्मूला लिखा उसके बाद हम लिख रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए, फिर ये 2 हो गया, फिर A हो गया, प्लस N के स्थान पर कितना रखना है 10-1 और उसके बाद D लिखा, बराबर कितना है 125। अब इसे भी इसी रूप में लेकर आएंगे, अभी हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा। क्या ये 5 हम नीचे भेज सकते हैं 125 के, बिल्कुल भेज सकते हैं क्योंकि ये पूरे के गुणे में है। तो क्या होगा 2A होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, मतलब 10 में 1 घटाया गया तो कितना होगा 90 हुआ, और ये 5 चला गया नीचे तो 125 बटे कितना हो गया 5 हो गया। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो आप मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको वॉइस मैसेज भेजकर समझा दूंगा कि कहां पर मैंने क्या बताया है, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर और साथ साथ एक्सरसाइज को भी मेंशन करना होगा। तो क्या हुआ कि ये हो गया 5 × 5, 5 × 2 = 10, बहुत ध्यान से देखिएगा 2 × 5 = 25 हो गया। तो क्या हुआ 2A + 90 = कितना हो गया 25। समीकरण नंबर कितना हो गया, समीकरण नंबर हो गया है 2। अब क्या करना है आपको, ये 2 समीकरण मिल चुके हैं, अब इन दोनों समीकरणों को किसी भी प्रकार से हल करना है। तो आपने 4 चैप्टर तो पढ़ ही लिया है, तो समीकरण 1 को किससे हल करना है, 2 से ना, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करना है, हल करने
पर। तो आप किस कैसे हल करेंगे इसे समझिएगा। समीकरण नंबर एक और ये लिखा है दो, तो ये एक है और ये दो है, किसी को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो 2a प्लस 9d, मैं पहले ये वाला लिख लेता हूँ, आप चाहें तो वो वाला कर सकते हैं ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस इधर आएगा माइनस उधर आएगा, दोनों कट जाएंगे। और ये क्या है, ये है a प्लस कितना लिखा है 2d बराबर कितना हो गया 15 हो गया। लाइन खींचेंगे, अब इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या हुआ कि ये 2a है ये a है, क्या कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले समीकरण को 2 से गुणा करके लिखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं, समझिएगा। मैंने जानबूझकर ऐसे लिखा था ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो क्या लिखा, ये वाला उतार दिया, लेकिन समीकरण एक को 2 से गुणा करके लिखना पड़ेगा, तभी 2 और 2 ये बराबर होगा, है ना। तो क्या करते हैं, 2 से इसको गुणा करते हैं, किसको गुणा करते हैं, समीकरण नंबर एक को गुणा करते हैं। तो ये 2 से इसको गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 2a, फिर 2 से इसको गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 4d, उसके बाद 2 को इससे कर दीजिए कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया ताकि एक जो चर हमारा a है उसके सामने वाले गुणांक क्या हो जाएं, वो बराबर हो जाएं। तो अब क्या हुआ, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, ये तो गए कट, 9d में 4d चले गए, कितना बचा, बचेगा 5d, और उसके बाद 25 और ये माइनस का 3 और माइनस का 30 कितना बचेगा, माइनस का 5। अब क्या हुआ, d बराबर हो जाएगा माइनस 5 बटे में 5, काट पीट देंगे कितना उत्तर आ जाएगा, d बराबर उत्तर आ जाएगा माइनस का 1। और हमें निकालना क्या था, हमें d की वैल्यू निकालनी थी और a 10 की वैल्यू निकालनी थी। सब कुछ आपको बेहतर वहां से दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने यहां पे पहले से क्वेश्चन लिख के रख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम क्या करते हैं, d की वैल्यू तो फाइंड हो गई है, अब हम लोग लिखते हैं, क्या करते हैं, a 10 की वैल्यू निकालते हैं। तो a 10 बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। कैसे लिखा गया, डायरेक्ट आप 9d लिख सकते थे जैसे इसमें लिखा था, लेकिन a 10, तो a की वैल्यू जरा देख कर बताइएगा कितनी है, क्या आपको a का वैल्यू पता है, बिल्कुल नहीं पता है। तो अब क्या करना है, ये नहीं करना है, हमें a का वैल्यू निकालना है। अब a कैसे निकलेगा, जो आपका d का वैल्यू निकला है उसी को उठाकर समीकरण नंबर एक में रख दीजिए। देखिए क्या हुआ, ऐसे ही आप सीख पाएंगे जैसे हम आपको सिखा रहे हैं। तो क्या हुआ, समीकरण एक में d का क्या करना है, मान रखने पर, मान रखने पर। और समीकरण नंबर एक क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू कितना लिखा है 15 लिखा है। d का वैल्यू क्या लिखेंगे 2, और d का वैल्यू कितना है, माइनस का 1 है, और ये प्लस का a हो गया, बराबर कितना हो गया 15 हो गया। ये a हो गया, माइनस का 2 और ये 15। तो अब बताइए कि ये 2 जब उधर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 15 और प्लस का कितना हो गया 2, तो a बराबर हो गया 15 और 2 जुड़ के हो गए कितने हो गए 17 हो गए, है ना, ये हो गया। उसके बाद अब आपको लिखना है वही जो अभी हमने यहाँ पे लिखा लिखकर मिटा दिया था, a 10 बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू निकाल लिया है 17 है, ये 9 हो जाएगा, और d का वैल्यू भी निकाला था थोड़ी देर पहले माइनस का 1, तो ये हो गया 17 और प्लस माइनस माइनस 9, 17 में 9 चले जाएंगे। तो सबको पता है कि 17 में 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, इसलिए ये कौन सी वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, हम लोगों ने निकाली है a 10 की वैल्यू। a 10 की वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू निकाल ली, यही निकालना था, a नहीं निकालना था लेकिन उसकी हमें ज़रूरत पड़ती, तो इसलिए हमने इसको भी निकाल लिया है। बेहतर इतना समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा, a बराबर 8 है, an बराबर 62 है, sn बराबर 210 है, n और d का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो बोलते रहते हैं सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ये मानना है कि यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही, क्योंकि आप भी चाहते हैं लगातार बेहतर क्लास। तो यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। खुद का भला कीजिए, साथ ही साथ सबका भला कीजिए, अपने दोस्तों का भी भला कीजिए, है ना। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है a बराबर, an बराबर और sn बराबर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे an और sn लिखा हुआ, अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन सब अलग अलग हैं, सब में कुछ ना कुछ अलग है जो हमें क्या करता है, सोचने पे मजबूर करता है। और यदि आप सोचने पे मजबूर हैं तो फिर आप सीख रहे हैं, और यदि आप गलती ही नहीं कर रहे हैं तो आप सीख कैसे पाएंगे, क्योंकि गलती है
तभी आप सीख रहे हैं, और यदि गलती नहीं है तो आप सीख नहीं रहे हैं, आप नकल कर रहे हैं। तो हमें नकल नहीं करना है, हमें सीखना है, गलतियां करना है तभी सीखना है। मान लीजिए आप घर से बाहर जाते हैं और गलत रास्ते में चले जाते हैं, और यदि आप गलत रास्ते में जाएंगे तो आपको पहुंचने के बाद ही पता चलेगा कि मैं गलत मंजिल पे आ गया हूं, अब मुझे वापस जाना है। इसलिए कोई बात नहीं, यदि किसी से गलती होती है तो वापस आएं, सुधार करें, फिर आगे जाएं, है ना। तो ये है आज का मंत्र। तो मंत्र को जरा किनारे करते हैं और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है उसे पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों ने लिखा 3 और लिखते हैं दिया है। क्या दिया है मुझे? मुझे दिया है ए बराबर 8 और ए एन बराबर कितना दिया है? ए एन बराबर 62 दिया है और एस एन बराबर कितना दिया है? एस एन बराबर 210 दिया है। ये दिया है मुझे, है ना। एन और डी को फाइंड करना है। चलिए हल करते हैं। हल करने में सबसे पहले लिखिएगा, क्योंकि ए एन बराबर कितना दे रखा है? दे रखा है 62। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना? 62। अब मेरी बात को बहुत क्लियर समझिएगा। देखिए ए एन था, ए एन से फॉर्मूला खोला, ए के वैल्यू पता है लेकिन एन और डी की नहीं पता। याद रखिएगा, जब दो वेरिएबल मतलब दो चर की वैल्यू मुझे ना पता हो तो आपको समीकरण बनाकर ही हल करना होगा। ये है ट्रिक। तो क्या हुआ, ए की वैल्यू को लिखा 8 और ये हो गया एन, और चाहे तो आप इसको इससे गुणा करें और वरना पड़ा रहने दें। तो एन माइनस 1 डी हो गया और उसके बाद ये हो गया 62। तो ये हो गया 8 उधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और जब भी जाएगा तो घट जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे n माइनस 1 और ये हो गया d बराबर कितना हो गया? 62। और 62 में से 8 को माइनस कर देना है। देखिए 62 में 8 को घटा देना है और 62 में 8 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 54। ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर आप लिखेंगे तथा, और तथा में क्या लिखा है? Sn का वैल्यू। Sn बराबर कितना दिया है? Sn बराबर दिया है 210। और Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, आप सुनिएगा हमारी बात। Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है? n by 2, है ना, n by 2, और होता है a plus an। ये भी तो फॉर्मूला होता है, चाहे तो आप d वाला लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारा 210। तो हमने यहाँ लिखा 210। अब उसके बाद देखिए n by 2 लिखा, तो n by 2 लिख दिया, और ये a है। a की वैल्यू मुझे पता है, क्या है? 8 है। और an की वैल्यू भी पता है, वो कितनी है? वो है 62। तो हमने क्या लिख दिया? 62 लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया, ये हो गया 210। अब ये दोनों चाचा भतीजे जो 8 और 62 लिखे हैं, इन दोनों को जोड़ दो। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70 और ये हो जाएगा 210। क्लियर समझ में आ रहा होगा? एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से सुने। ये मैथ है जिसे गणित कहते हैं, और गणित सीखना है तो दिमाग को बहुत शांत रखना है और सुने हमारी क्लास तभी जब आप बहुत शांत मूड में हो तब, और शांत मूड में नहीं है तो साइंस की क्लास को सुनिए, वो भी आपको एंटरटेनमेंट वाली क्लास मिलती रहेगी और आप सीखते रहेंगे। तो ये इसको कैंसिल आउट किया, ये हो गया 35 यानी 35, तो n हो गया। अब ये जो बेचारा 35 गुड़े में लिखा है, ये कहेगा n से मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है, मैं जाता हूँ 210 के पास। n कहेगा चल फुट, ये गुड़ा हो रहा है, नीचे जा, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ये 5 से काटिएगा तो 5 7 35 और इसको ज़रा करेंगे तो 5 4 20 एक बचेगा, और 5 2 कितना हो जाएगा? 5 2 हो जाएगा 10, मतलब 7 1 7 और ये 7 6 42, यानी n बराबर कितना वैल्यू आ गया? n बराबर वैल्यू आ गया है 6। ये हो गया है n का वैल्यू जो कि हमें निकालना था, है ना। तो देखिए इस बुक में थोड़ा सा कुछ गलत भी लिखा था जो मैंने ढूंढा है आज, वो भी अभी हम बताएंगे आपको कि क्या जो है एक क्वेश्चन इसमें से गलत लिखा था बुक में, आप चाहें तो मिला सकते हैं, वरना हम जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बताएंगे ही। एन की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, अब बात करेंगे डी की। तो एन का मान उठाकर, बहुत ध्यान से देखिएगा, एन का मान उठाकर यदि समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे हम लोग एन बराबर 6 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रख दीजिए भैया, क्या लिखेंगे? n माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना? 54। n का वैल्यू मुझे पता है कितना है, 6 है, 6 में 1 गया, उसके बाद ये d बराबर कितना हो गया? 54 हो गया। अब ये 6 में 1 गया, सबको पता है कितना बचेगा? 5 बचेगा, 5 d बराबर कितना हो गया? 54। और d बराबर कितना हो जाएगा? 54 बटे 5। भैया क्या कटेगा?
बिल्कुल नहीं कटेगा। और गलती मत करना दशमलव में निकालने की, क्योंकि दशमलव में निकाल के क्वेश्चन को बड़ा ही बनाएंगे। तो ये भी इसका आंसर आ गया है, जो कि कितना आया है, डी बराबर आया है 54/5, और ये एन बराबर कितना आया है, 6 आया है। ये पहला आंसर है, ये दूसरा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अब इसके बाद बारी किसकी है, बारी है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम आपको बताते हैं। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाद, क्योंकि हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है, लिखा है ए बराबर 3। क्या लिखा है, ए बराबर, देखिएगा वहां पे क्या लिखा है, ए बराबर लिखा है 3। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या हमें उन्होंने दे दिया है। दे दिया है, आपने ले लिया है। अब आप इसको हल कर दीजिए और आंसर मिला लीजिए और चुपचाप बुक बंद करके रख दीजिएगा। तो ए बराबर कितना है, 3 है, और एन बराबर कितना है, 8 है, और एस बराबर कितना है, 192। देखिए थोड़ा फिर अलग कर दिया, इस बार एस दिया है, एस दिया है, एस एन नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, एस दिया है, एन अपने आप लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो भैया कंफ्यूज नहीं होना है हमारे साथ, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे। कैसे सीखेंगे, जब हम क्वेश्चन को आपको सिखाएंगे तब, है ना। तो ए बराबर दिया है, कोई उपयोग नहीं है, एन बराबर 8 दिया है, अभी भी इसका कोई उपयोग नहीं है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है आखिरी में डी। बहुत आसान है, आप फॉर्मूला जानते हैं, एस एन बराबर कितना होता है, 192 तो दिया है, और फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन बाई 2 और उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी कभी ये फॉर्मूला लगाते हैं, कभी ए एन लगा देते हैं। याद रखिएगा, जब ए एन दिया हो तो ए एन लिखिएगा, ना दिया हो तो एन माइनस 1 डी लिखिएगा, 2 भी साथ में लिख दीजिएगा। तो एन की वैल्यू कितनी है, 8 दी है, 8/2 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, ए का वैल्यू भी इन्होंने टपका दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, एन का वैल्यू 8 हो गया, 1 घटाएंगे उसमें से, और डी बराबर कुछ नहीं है, वो हमें निकालना है, क्योंकि डी बराबर भी दे देते तो करना क्या होता है, 192 बराबर, है ना, 8/2, 2 × 1 = 2, तो 4 × 8 कट्टम पिट्टम का खेल खेला। अब ये 4 आप चाहें तो नीचे लेकर जा सकते हैं और चाहें तो इसी में खेल खेल लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर है 4 को नीचे ले जाइए, क्योंकि ये 4 पूरे के साथ है। तो 2 × 3 कितना हुआ, 6 हुआ, प्लस 7 होगा, 7d लिखा, और ये हो गया 192, और ये 4 कहाँ है, इसे नीचे लाना ना भूलना। अब ये 6 है, पड़ा रहने दो, 6 प्लस कितना लिखा, 7d, 4 से इनको काटना शुरू कर दीजिए। 4 × 4 बिल्कुल कट जाएगा, 100% मुझे पता है कट ही जाएगा, 4 × 16 कितने बचे, बचे गए 3, और ये हो गए 2, मतलब 32, 4 × 8 = 32, तो कितना हो गया, 48। अब ये 7d है भैया, लाइक यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो ये डी हो गया। अब ये 7 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 7 × 7 और 7 × 6 = 42, मतलब डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर आ गया है 6। तो इस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये एक चौथा भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या दिया है, a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर कितना दिया है, 50। n और sn ज्ञात करना है, बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये छोटकू वाले क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट के रूप में अपनी कॉपी में, अपने फोन में जमा लीजिए, है ना। तो ये चौथा हो गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न की। कोशिश करेंगे कि इसे भी आपको शॉर्ट में ही बताया जाए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, लिखा है ए बराबर हमें दिया है, है ना, जो जो दिया है वो आप ले लो और फिर इसको हल कर दो। ए बराबर कितना है, 5, उसके बाद डी बराबर कितना है, डी बराबर है 3 और ए एन बराबर कितना है, ए एन बराबर है 50। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, आपका दिमाग अपने आप बढ़ता रहेगा, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आइए, फोन उठाइए, सर्च कीजिए ज्ञानोदय के गुरुजी और शुरू हो जाइए मैथ लगाना, शुरू कर दीजिए, चलने दीजिए मेरा वीडियो, ले लीजिए कॉपी सामने और शुरू हो जाइए, लिखते रहिए लिखते रहिए, कब तक नहीं आएगा, ये दिमाग है, कोई पेट से सीख कर नहीं आता है। तो क्या है, ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है और ए एन बराबर 50 है, एन और एस एन ज्ञात करना है। एस एन पूछे चाहे ए एन पूछे चाहे कुछ भी पूछे,
कर देना है वैसे ही जैसे हमने आपको बताया है। तो क्या दिया है, ए एन दिया है, ए अकेला डी अकेला लेकिन ए एन के साथ एन है, इसे ही लिख दीजिए। तो ए एन बराबर कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ए एन का एक ही फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना, 50। ये हो गया। अब क्या हुआ, देखिए कितना आसान था ना, कितना तो आसान है। क्या है, ए हो गया एन माइनस, अब ये आखिर हम कर क्यों रहे हैं, हम लोग फाइंड करेंगे यहां से एन की वैल्यू, तभी तो ऐसे निकालेंगे ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5 और ये हो गया एन माइनस वन और डी भैया दिया है इन्होंने हमको 3 बराबर 50। अब ये 5 जो इधर लिखा है ये जाएगा उधर, लेकिन उधर ले जाने से पहले 3 को आगे और एन माइनस वन को पाछे लिख दो भैया, है ना। अब ये 5 हो गया माइनस का, अब 50 में जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 45 और ये हो गया 3 और ये हो गया एन माइनस वन। अब देखो एन माइनस वन और ये 3, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, इनके बीच में चिन्ह है गुणे का। और यदि मेरी क्लास आपको तेज लग रही है कि मैं तेज पढ़ाता चला जा रहा हूँ, कुछ बीच में आपसे बात नहीं करता हूँ, कुछ आपको खिलाता पिलाता नहीं हूँ, तो इस बिल्कुल आप खा लीजिए, भूखे ना रहिए, खाते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, पढ़ते रहिए, रात हो दिन हो मेहनत करते रहिए। टारगेट 90% विथ मी, बस इस चीज़ को लेकर चलिए कि मुझे चलना है ज्ञानोदय के गुरु जी के साथ और 90% बिल्कुल गेन करना है। कैसे गेन करना है, इस क्वेश्चन को तुरंत करते हैं। क्या है, n माइनस वन और 3 के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, और कहाँ जाएगा, वो जाएगा बटे में, क्यों, क्योंकि n माइनस वन कहेगा नीचे जाओ। तो क्या हुआ, 45 बटे हो गया 3, अब हो गया कट्टम पिट्टम का खेल, तो कितना बचेगा 15, तो यहाँ हो गया 15, इधर हुआ n माइनस वन, इधर हुआ n माइनस वन। अब एक कहेगा कि मैं तो इधर निगेटिव में हूँ, मुझे निगेटिव नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो n कहेगा मैं उधर जाता हूँ और 15 के साथ जुड़ जाता हूँ। तो इस तरीके से n बराबर कितना हुआ, 16 हुआ, इसे मैं मिटा देता हूँ, दिमाग में आपने अपने बिठा ही लिया होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया n बराबर 16। अब n बराबर निकाल लिया, लेकिन अभी तक जो हमसे पूछा गया था वो तो निकला ही नहीं, क्या निकल आया, हाँ n निकल आया। अब बात करेंगे sn की, तो sn कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि sn बराबर, देखिएगा अब हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे कौन सा वाला, an वाला। क्यों an वाला लिखेंगे, क्योंकि आपको an यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ लिखा a प्लस ए एन। देखिए यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ना कर पाएँ, क्योंकि मैंने बताया है कि कोई पेट से सीख कर नहीं आता है। मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्लास आज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है, और कैसे पढ़ा है ये सिर्फ हम जानते हैं या फिर हमारे माँ बाप जानते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है वो हम लोगों ने निकाल ली है, 16/2, और a की वैल्यू है 5 और an की जो वैल्यू है वो है 50। देखिए इसमें d वाला फॉर्मूला लगाते तब भी हो जाता, क्योंकि d की वैल्यू मुझे पता थी, लेकिन बड़ा होता। इसको कट्टम पिट्टम का खेल खेल कर काट देते हैं, तो ये बचेगा यहाँ पे 8 और इनको इससे पहले जोड़ देते हैं, और जितना आएगा उसको 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो मतलब 55 × 8 हुआ 8 × 45, हासिल लगे 5, 8 × 45 और फिर जोड़ दिया कितना हो गया 45। तो इस तरीके से उत्तर कितना आ गया है, उत्तर इसका आ गया है हमारा 450। तो ये 450 जो, सॉरी कुछ गलती हुई शायद, 8 × 45 440, उत्तर कितना आ गया 440 आ गया। तो इस तरीके से sn की वैल्यू भी आ गई है 440 और आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। अब 5 नंबर के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, 7 की, 8 की, और जो 9 नंबर का क्वेश्चन होगा ना वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसे लास्ट तक जरूर देखना है। तो ये 5 नंबर हो गया है, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि आखिर हमें क्या क्या दिया है, और स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल भी ना भूलें, मेरे कहने से पहले ही आप स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसा नहीं है कि अब ये मिट गया है तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी भी मौका है, पीछे रिवाइंड कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, डी बराबर दे रखा है इन्होंने हमको 5, इस बार हमने दिया है नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने इस बार दिया है नहीं ले लिया है इनसे कुछ। एस 9 बराबर दे रखा है इन्होंने हमको 75 यानी 75,
उसके बाद हमसे कह रहा है एन फाइंड करो और फाइंड कीजिए, हम ए नाइन फाइंड कीजिए। देखिए एन फाइंड कीजिए और ए नाइन फाइंड कीजिए, और क्या है वही हमको फाइंड करना है। चलिए हल करते हैं। तो क्या दिया है हमें, दिया है एस नाइन, एस नाइन लिखेंगे। और एस नाइन बराबर कितना दे रखा है, एस नाइन बराबर दे रखा है 75। अब देखिएगा, इस चीज़ को समझिएगा, इसमें हम दो फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे और उन दोनों में बताएंगे कि आप एक गलत का यूज़ कर रहे हैं और एक सही यूज़ कर रहे हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, एस नाइन है तो आप क्या यहाँ नाइन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ भी नाइन लिख दीजिए। तो क्या है ए नाइन का वैल्यू, क्या हमको पता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पता है। क्या हमको डी का वैल्यू पता है? पता है। लेकिन क्या हमको ए का वैल्यू पता है? बिल्कुल भी नहीं पता है। तो क्या हुआ, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाना यहाँ पे व्यर्थ है। क्या ये बात समझ में आई? एस नाइन दिया है, डी बराबर दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ए और ए नाइन दो बन गए हमारे चर, और इनका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे ना तो ए पता है, डी तो पता है लेकिन ए नहीं पता है, इसलिए ये लगाना क्या है, व्यर्थ है। इसके इसको जो है क्या करते हैं, अलग से लगाते हैं दूसरी तरीके से। हाँ, ये ऐसे और हो सकता है यदि हम इसको लिख दें a प्लस 8d, तब हो जाएगा, लेकिन बात वही हो जाएगी कि फॉर्मूला वही वाला हो गया जो दूसरा वाला है, टूटकर वही फॉर्मूला आ जाएगा, इसलिए उसको हटाते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे कि ये दिया है और यहाँ लिख देंगे अपना फॉर्मूला कौन सा लगाया, चूंकि एस एन बराबर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। क्या एस एन बराबर फॉर्मूला होता है? होता है एन बाई टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर, और ये कितना दे रखा है, ये एस एन बराबर फॉर्मूला होता है, ये हम लोग जानते हैं। चलिए इसी को देखकर ऊपर वाला लिखते हैं, तो ये क्या लिखेंगे, 9/2, उसके बाद ब्रैकेट 2 लिखा, a लिखा, n का वैल्यू 9 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 9-1 हो गया, और ये d हो गया, बराबर कितना हो गया, एस एन बराबर दे रखा था 75। अब इसको समझिएगा, डी का वैल्यू दिया है ना, तो एक ही चर बचेगा और चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया 9/2, उसके बाद हो गया ये 2a प्लस ये हो गया 8, और डी, डी का वैल्यू कितना है 5, उसके बाद ये हो गया 75। अब देखिएगा ये 9/2 है, बिल्कुल पड़ा रहने दीजिए 9/2। अब ये 9/2 जब उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बटे में, और जब इसको उधर ले जाएंगे ये हो जाएगा उल्टा मेढक की तरह, मतलब 75 लिखा है और ये उल्टा होके आ जाएगा 2/9, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 से काटिए, 3 × 9, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25, कितना हो गया 25 × 50, 50/3 हो गया। इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है 2a प्लस कितना है 40, अब ये 2a हो गया। उसके बाद देखिएगा बहुत ध्यान से, हमें आखिर निकालना क्या है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6, हमें निकालना है n और a9 निकालना है, n क्या, n निकालना है और a9 निकालना है। तो n कैसे निकालेंगे आप, देखिए मनोहर की बुक की ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि यहाँ पे n लिखा है, n के स्थान पर आपको a लिखना है। क्या लिखना है, a लिखना है, क्योंकि n फाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि n की वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ पे 9 दे रखी है ना। तो क्या हुआ, 2a हो गया, ये हो गया 50/3, और 40 उधर चला गया, हो गया माइनस का। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं, मेरा तो a निकल रहा है और निकालना मुझे n है जो कि निकल नहीं सकता। तो ये क्या हुआ, ये अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा कितना आएगा, 3 आएगा, 2 नीचे नहीं भेज सकते हैं, 3 आएगा, 50 हो गया, 1 नीचे लिख के लासा लेकर करते हैं तो कितना आएगा, 120 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, 3 को 4 से 40 से गुणा कर देंगे। अब इनको हम लोग घटा देते हैं, मतलब बचेगा 70/3, ये कितना हो गया, 70/3 हो गया, और इधर लिखा है 2a, तो इधर लिख दिया हम लोगों ने 2a। अब ये जो 2 है वो 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा a बराबर माइनस 70/3, और 2 नीचे चला गया, तो 2 से इसको हम काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 35, मतलब a बराबर हो जाएगा माइनस का 35/3। तो इस तरीके से a बराबर कितना हो गया, माइनस का 35/3। अब a9 निकालना है मुझे, क्या निकालना है a9, तो हम लोग लिखेंगे, अतः a9 बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस 9-1 इंटू डी, या डायरेक्ट आप a प्लस 8d लिख सकते हैं। a की वैल्यू आप देखेंगे तो कितनी है, माइनस का 35/3 है, प्लस यहाँ से बचेगा 8, और डी का वैल्यू कितना है 5 है, 5 लिखेंगे, ये हो गया माइनस का 35/3, 8 × 5 = 40, 40 लिख दिया गया, लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 लासा आएगा,
माइनस का 35 और प्लस का 120 हो जाएगा लासा लेने के बाद। अब 120 में 35 को क्या करना है, हमें घटाना है, तो माइनस का 85 बटे कितना आ जाएगा, माइनस का 85 बटे कितना उत्तर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये निकाल लिया है दूसरा उत्तर और ये पहला उत्तर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व करेंगे। इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, इन्हें हम होमवर्क देते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको अभी बताएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और उसे लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 जो हमने बोर्ड पर लिख दिया है, लेकिन उससे पहले बताना चाहेंगे, ये जो होमवर्क आप करेंगे ना, इसे आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मैसेज करेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर मैसेज करेंगे लगाने के बाद आप तुरंत, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी है, तो आप ये मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 8090282032। जब आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, बिल्कुल आप व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको सोल्यूशन भी देंगे, और यदि कोई इंक्वायरी है तो हम उसे वॉइस मैसेज भेज कर, या अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं आपको कॉल पर आपका जो है ये सोल्यूशन है उसे समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो ये नंबर है हमारा, इस पे आप व्हाट्सअप जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, तब भी हमारे चैनल पर साइंस भी पढ़ाई जाती है, आप मेरे चैनल पर साइंस की तैयारी भी कर सकते हैं। साइंस में अभी केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, जैसे ही दूसरा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे चैप्टर की, और तीसरा चैप्टर जो होगा वो फिजिक्स से होगा, मतलब वो 11th नंबर चैप्टर आपकी बुक का होगा, उससे उसके जो है दो चैप्टर हम पढ़ाएंगे आपको, और उसके बाद हम बात करेंगे फिर से केमिस्ट्री की और फिर से फिजिक्स की, और साथ ही साथ बायो भी जल्दी से आपके इस चैनल पर स्टार्ट होने वाली है लाइव क्लास। बायो मैम पढ़ाने आएंगी एक, और उसके बाद वो आपको बायो पढ़ाएंगी, आपकी पूरी तैयारी करवाएंगी, आपके को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगी, और लाइव करके जो है प्रैक्टिकल वगैरह दिखाएंगी। तो ये 8090280 मेरा नंबर है, है ना। तो अब क्या है कि ये इस क्वेश्चन को देखते हैं, L बराबर कितना दिया है 28, S बराबर 144 और कुल पद कितने हैं 9 हैं। तो हम सबसे पहले इसको हल करते हैं और बताते हैं, और ज्ञात क्या करना है, A ज्ञात करना है। तो देखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं S होता है, S को ही SN कहते हैं, तो मतलब एस एन हम इसको लिख सकते हैं, एस एन बराबर कितना दे रखा है 140। लेकिन उसने कहा था कुल पद कितने हैं 9 है, मतलब जो एन का वैल्यू है वो कितना है 9 है। तो एस एन का फॉर्मूला हो गया एन बाई टू, और देखिएगा बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, ए प्लस ए एन, एक फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं। जो अब इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ए एन होता है इसी को एल कहते हैं, ए एन को ही एल कहते हैं, क्योंकि ए एन जो है वो एनवा पद है, जो अंतिम पद है वो है, और जो एल है वो लास्ट टर्म है, मतलब एल का मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद है। तो ए एन के स्थान पर आप चेंज करके क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। अब तो बड़ी सिंपल तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2, और ए का वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता, और एल का वैल्यू है 28, और बराबर कितना है 144, है ना। अब ये चुटकियों में हो जाएगा a प्लस 28, अब ये 9/2 जाएंगे उधर उल्टा हो जाएंगे बिल्कुल मेंढक की तरह, ये 144 और ये उल्टा हो गया 2 ऊपर 9 नीचे, तो ये a हो गया। अब देखिए इसको इससे गुणा करते हैं, क्योंकि कैंसिल आउट शायद ये होगा नहीं, हाँ हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 2 बचा 24 हो गया, तो 3/24 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ 9 लिखा था, तो 3/9 हुआ, उसके बाद फिर 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा, कितना आएगा 16 आएगा, तो ये 16 दुना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और उसके बाद इधर लिखा रहेगा a प्लस 28, a बराबर कितना आ जाएगा 32 माइनस का 28, उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा a बराबर आपका 4। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि कैसे हम लोग तैयारी करेंगे अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की। देखिए मैं आप लोगों के लिए जल्द से ही जल्द लाइव क्लास लाना चाहता हूं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना भी हो सके शेयर करें। 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद नो लाइक नो कमेंट्स नो, मतलब कुछ भी नहीं करना है, जो आपकी इच्छा हो बस वो कीजिए आप। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आपको आपका मन हो तो कमेंट कीजिए,
मैं कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ज़रूरत की बात ही करूँगा, लेकिन अभी ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर की। इसलिए यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मदद करें हमारी, साथ ही साथ अपने कोर्स को भी जल्दी से जल्द कंप्लीट करें। तो जल्दी से जल्दी आप अपने कोर्स को कंप्लीट करें और कोशिश करें कि आपका जो कोर्स है वो हमारे साथ साथ कंप्लीट होता रहे, क्योंकि यदि आप हमारे साथ साथ कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपका भी फायदा है, क्योंकि जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है विदाउट नो ब्रेक, कोई भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ YouTube पर हाई स्कूल को ही पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में। तो क्या है, कोई ब्रेक नहीं होगा, शुरुआत हो जाएगी अनसॉल्व की, और अनसॉल्व में आप सीखेंगे कि कैसे पेपर को देना है और कैसे पेपर आता है, किस प्रकार से आंसर लिखना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और जल्द ही आपके इस चैनल पर लाइव क्लास होने वाली है बायोलॉजी की, वो भी जल्द से जल्द आपको मिलेगी। और बस आज की क्लास के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अंत तक देखते हुए आए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोर्स को ज़रूर कम्प्लीट रखिए। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और ये चैप्टर 5, मतलब 4 चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिए हैं, और पहला चैप्टर मात्र आपका सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों का है। 4 दिनों में आप पहला चैप्टर पढ़ लेंगे, तो मतलब ये मानकर चलिए कि 5 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, और इसके बाद हम छठे चैप्टर की जो है बात करेंगे या सातवें चैप्टर की बात करेंगे, त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, और सब आपके पेपर के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।